90 सीट, मिशन 46, चार दलों में जबरदस्त घमासान। निकल पड़े हैं कांग्रेस, बीजेपी, INLD और HJC के छत्र। मैदान में 1350 उम्मीदवार। किसके हाथ लगेगी हरियाणा की बाजी? क्या लोकसभा चुनावों में चली मोदी लहर बनी रहेगी? क्या फिर चलेगा अमित शाह का जादू? क्या कामयाब होगा बीजेपी का अभियान चलो चले मोदी के साथ, या सजा याफ्ता चौटाला बटोरेंगे सहानुभूति के वोट? क्या नई पार्टी बनाने से पार लगेगी बिश्नोई की नैया? लगातार सत्ता की सवारी करने से बढ़ गया है कांग्रेस का असमंजस। क्या सूबे में बहेगी सत्ता विरोधी लहर, या फिर रास आएगा जनता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अंदाज? क्या घोटालों का जुमला डुबोएगा कांग्रेस की लुटिया, या फिर विकास का दावा करेगा बेड़ा पार? सभी पार्टियां कर रही हैं जनता जनार्दन से फरियाद, जनता की अदालत कर रही है फैसला सुनाने की तैयारी। देखिए IBN 7 पर विधानसभा चुनावों का हाल, क्योंकि IBN 7 बराबर चुनाव। हरियाणा चुनाव पर खास पेशकश, फिर एक बार मोदी चमत्कार, हरियाणा चुनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां ताल ठोकर मैदान में उतर चुकी हैं। नामांकन के बाद अब जनता तक अपनी बात पहुंचाने का दौर है। बीजेपी की तरफ से खुद अमित शाह चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई और ओम प्रकाश चौटाला भी दमखम के साथ मैदान में है। हरियाणा की जनता का मिजाज क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नए मुद्दों के दम पर इस बार हरियाणा में होगी सत्ता की जंग। 10 साल से सत्ता पे काबिज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बहुमत के लिए मिशन 46 पर निकली कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर से पार पाना है। कांग्रेस ने लोगों को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र को लुभावना बनाया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ग्रामीण इलाकों में 2 लाख मकान बनाने और शहर में 1.5 लाख मकान बनाने सहित रियायतें देने की घोषणा की गई है। हालांकि बीते कुछ सालों से घोटालों का शोर जिस तरह उठा, उसकी अनदेखी हुड्डा चाहकर भी नहीं कर सकते। जो पहले 2005 के अंदर घोषणा पत्र का लागू किया, 2009 में किया, हमने सारा एक्सीडेंट कर दिया। दो घोषणा पत्र में लिखे हैं, खाली जैसे दूसरे दल घोषणा पत्र में बातें लिखते वो नहीं लिखते। हम घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जो एक्सीडेंट करते हैं। इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव कई मायनों से अलग है। इस बार किसी दल का किसी के साथ गठजोड़ नहीं। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी HJC से बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। बीते विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD इस बार अकेली है, और शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे उनके नेता जमानत पर बाहर हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह 10 में से 9 सीटों पर कब्जा किया, उससे पार्टी का आत्मविश्वास सबसे ऊपर है। लेकिन अब पार्टी के सामने इसे बरकरार रखने की चुनौती है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर से बीजेपी के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि उनके नाम पर महाराष्ट्र और हरियाणा की जंग भी जीती जा सकती है। योजना के मुताबिक प्रधानमंत्री हर रोज दोनों राज्यों में 3 से 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री हरियाणा के करनाल में चुनावी रैली करेंगे। इन चुनाव में बीजेपी ने चलो चले मोदी के साथ के नारे के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। हम चलो चले मोदी के साथ के संकल्प के साथ सुशासन और विकास के स्वर्णिम युग के की स्थापना के संकल्प के साथ हम चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 40, INLD को 31, HJC को 6 और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कांग्रेस प्रतिष्ठा बचाने, INLD और HJC वजूद बचाने और बीजेपी सत्ता में पहुंचने की जंग लड़ रही है। हरियाणा की किस्मत किसे सौंपेगी जनता, ये 15 अक्टूबर को मतदान के साथ ही तय हो जाएगा। नीरज गुप्ता, रोहतक, IBN 7। और अब हम आपको लिए चलते हैं रोहतक, जहां हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने जनता का मजाक भांपने की कोशिश की है। रोहतक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका है, और हुड्डा के इलाके में कांग्रेस का किला कितना सुरक्षित है, देखिए नीरज की ये रिपोर्ट। हुड्डा
नमस्कार, आईबीएन 7 की इस खास चुनावी पेशकश में मैं नीरज गुप्ता अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मोदी सरकार, क्या हरियाणा में होगा इस बार? इस सवाल को तलाशने की शुरुआत हमने की है रोहतक जिले से। रोहतक से इसलिए क्योंकि ये सीएम सिटी कहा जाता है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह जिला, होम डिस्ट्रिक्ट है रोहतक। और यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण शक्ल अख्तियार करने वाले हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ विजेंद्र शर्मा, हरियाणा जनहित कांग्रेस से हैं, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है ये, राजकुमार शर्मा INLD, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, इसके साथ विजेंद्र शर्मा, माफ कीजिएगा, धर्मवीर हुड्डा हैं हमारे साथ। ये गढ़ी सापला किलोई, जहां से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनके सामने बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर हैं। और लोकेंद्र फोगाट हमारे साथ हैं कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पर। फोगाट साहब, सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस के कैंडिडेट क्यों नहीं आते हैं डिबेट में हिस्सा लेने के लिए? ऐसा है जी, आपको नुमाइंदा बना के भेज दिया उन्होंने। ऐसा है, चुनाव का माहौल है, चुनाव के अंदर बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है और इस कारण नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 9.5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उन्हें लगता है कि हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और 9.5 साल के अंदर जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो विकास किया है, कोई गैग ऑर्डर तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हो कि कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा टीवी के सामने? कोई ऐसा नहीं है, और जो विकास किया है, विकास के लिए बोलने जरूरत नहीं। आप जिस पार्क में खड़े हैं इसको एक बार थोड़ा कैमरा घुमाइए, आपको विकास आ जाएगा। और हमेशा विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। वादा है कि काम किया है काम करेंगे, एक बार फिर ये कह रहे हैं। धर्मवीर हुड्डा, आपकी पार्टी ने 4 महीने पहले लोकसभा चुनावों में 10 में से 7 सीटें जीती, लेकिन ये बात सही है कि विधानसभा में मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं, और विधानसभा में बीजेपी के पास ना कोई चेहरा रहा है, जो इतिहास है हरियाणा का, ना कोई चेहरा रहा है और ना ही कभी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इस बार आपको क्या लगता है कि क्यों आपको वोटर वोट देगा? पार्लियामेंट के चुनाव में 10 में से 7 सीटें हम ये जनता जनार्दन दे चुका है जी, 4 महीने पुरानी बात हो गई। हाँ, इससे बड़ी मौजूदगी और कोई हो नहीं सकती, और माननीय मोदी भाई जी के नेतृत्व में। तब तो आप अलायंस में लड़े थे ना, आप कुलदीप की पार्टी के साथ अलायंस में लड़े थे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से जी, मोदी जी की लहर थी। अच्छा, और आज भी मोदी जी की लहर है इस पर, आज भी मोदी जी की लहर है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, जापान की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के भी गली कूचों में जो है वो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव बीजेपी लड़ रही है। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, INLD के प्रत्याशी हैं, ये भी गढ़ी साहब, माफ कीजिएगा, रोहतक से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं। राजकुमार जी, आप ये बताइए कि आपके ऊपर वोटर क्यों भरोसा करेगा? आपके जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो जेल में थे, बेल पे हैं। भरोसे की बात ये, जहां तक रोहतक असेंबली का सवाल है जी, आज भूषण जी बत्रा डिबेट में नहीं आए जी, आज मनीष जी ग्रोवर जो बीजेपी के हैं डिबेट में नहीं आए, क्योंकि इनको, आप तो कलोई से है ना, कोई नुमाइंदा है उनका, मैं रोहतक की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए, पिछली डिबेट में भी मनीष जी ग्रोवर नहीं आए, इनको पता है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आपके पास ये है कि हम कानून ऐसा सख्ती से बरतेंगे कि रोज की चैन स्नैचिंग खत्म होगी, रोज की जो चोरियां हैं वो खत्म होंगी, जो जाम लगता है, जो नियम लोग पालन नहीं करते, इस तरह के हम पूरा का, इन्होंने कहा कि लोग पालन नहीं करते, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, नियम बनाए जाते हैं पालन करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये इतने घबरा गए हैं पिछले 7 दिन से, हर रोज ये मेरे पोस्टर फटवा देते हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी शिकायत की है। ये कौन, ये से किस, क्या मतलब है आपका? मतलब कांग्रेस के आदमी और कौन? कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं INLD के जो प्रत्याशी है। मैं आपके पास लौटूंगा। आप बताइए सर, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे आप लोकसभा का चुनाव, अब बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनको कोई साथी नहीं चाहिए, अलग हो गए, आपकी कोई बुनियाद बची है? आपको लगता है विधानसभा चुनावों में आपकी मौजूदगी होगी? देखिए, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो 7 सीटें मिली हैं वो टोटली अजका के सहयोग से मिली हैं। अच्छा, और मैं भी पिछले 2-3 साल से कलोई हल्के में घूम रहा हूँ, जब मैं गाँव में जाता था किसी कार्य, मतलब गाँव में एक कार्यकर्ता मिलता, किसी में 2-3 से ज्यादा, किसी भी गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता ही सड़क पे नहीं है। आपका मुद्दा क्या है, आप किस बात पे वोट मांग रहे हैं ये बताइए। हमारे देखो, 2 बातें होती हैं इलेक्शन में, एक नेता की नीति और नियत, दोनों भी इलेक्शन लड़ा जाता है, और जो
दूसरी पार्टियां हैं, सभी नेता भ्रष्ट हैं, नीतियां भ्रष्ट हैं उनकी। अच्छा, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे नेता है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं उनके ऊपर। नियत और नीति, नेता की नियत और नीति पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है एचजेके। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, युवा चेहरे हैं, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। सर आप बताइए, ये तो पॉलिटिकल बातें हुई प्रत्याशियों की, रोहतक शहर में ये इल्जाम लगता है, रोहतक शहर पर हर जगह ये आरोप होता है कि विकास नहीं हुआ, रोहतक शहर पर ये इल्जाम लगता है कि यहाँ विकास जरूरत से ज्यादा हो गया, ऐसा है क्या? कोई विकास नहीं हुआ। अभी एक भाई कांग्रेस के कह रहे थे कि इस पार्क को देख लो, पार्क में जो है अभी भी जो बारिश हुई थी उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, 10 दिन तक वो पानी नहीं निकला। आप बताइए, वोटर होने के नाते आप किस मुद्दा क्या होगा आपका, आप किस मुद्दे पे अपना वोट डालेंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नंबर एक हरियाणा बना रहे हैं, लेकिन नंबर एक ये नीचे से नंबर एक बन गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रोज जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है नहीं, चैन स्नेचिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार। लोकेंद्र जी आपकी पार्टी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, भ्रष्टाचार है, और झूठा ये वादा करते हैं लोगों के साथ कि हमने नंबर वन हरियाणा बना दिया। सर जी अभी एक मेरे साथी जो हरियाणा जाते हैं कांग्रेस से हैं, वो तो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जिसके नायक जिसके जन्म देने वाला भ्रष्टाचार को चोरी बदल राव जी थे। दूसरा हमारे बड़े भाई राजकुमार जी, आता हूँ मैं आपके पास, किसी अदालत में एक भी आरोप था अदालत अदालत में आरोप, खैर परसेप्शन की बात अलग होती है। राजकुमार जी कानून की बात करते हैं कि कानून सख्त बनाएंगे, 6 साल का इन्हें लोग राज रहा था, उसके अंदर कानून की क्या दुर्दशा थी बच्चा बच्चा जानता है। राजकुमार जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कानून आप आज हर रोज जो है मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को पीटना आम बात है, चौधरी ओम प्रकाश उठाड़ा की। लेकिन राजकुमार जी मेरी कमीज तेरी कमीज से मैली कैसे, ये इससे तो कोई नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अपराधियों को खौफ होना चाहिए कानून का, लेकिन यहाँ अपराधियों को कोई खौफ नहीं है, सारा का सारा टाइम पुलिस वाले आज शिक्षकों की हड़ताल है, आज पीडब्ल्यूडी की हड़ताल है, आज बिजली की हड़ताल, उसमें लगते हैं कानून सारा पुलिस। आप कानून की बात कर तो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पे ये इल्जाम है कि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो हैं वो खुद जेल में थे, आजकल भी बेल पे चल रहे हैं, उनको कन्विक्ट कर चुकी है हाई कोर्ट। मैं बता रहा आपको, वो बेल पे तो चल रहे हैं लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन जिसके साथ है, आज सारा हरियाणा इस बात को जानता है कि इस कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जेल में भेजा वाड्रा जो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, हजारों एकड़ जमीन इस भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने उनको दे दी, क्या जवाब है इनके पास? बात का जवाब दीजिए कि लैंड यूज चेंज करके जमीन जो है वो 10 जनपद को खुश किया गया उससे। देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा हमारा देश का लोकतंत्र पूरी दुनिया भर में हमारा मशहूर है। आप हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जमीनों के अंदर घोटाले करे, एक भी घोटाला सिद्ध कीजिए आप, उन्होंने कोई घोटाला, आप आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि सिद्ध नहीं हुआ, आपके ऊपर आरोप लगता है, आप कहते हैं सिद्ध नहीं हुआ, कोई घोटाला, तो आरोप का हवा से पैदा हो रहे हैं। देखिए आप चेंज ऑफ लैंड यूज को अगर आप घोटाला कहते हैं, ये तो अधिकार है सरकार को, फीस जमा कराइए कोई भी भाई अपना, लेकिन मामले कोर्ट तक गए हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कुछ लोगों से बात करते हैं जी। आप बताइए कि रोहतक के लोग क्या चाहते हैं कि आखिर जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे नेताओं के होने चाहिए, और चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, जो कांग्रेस सरकार ने 10 साल का शासन किया इस हरियाणा प्रदेश में जी, इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नारा लगा रखा है, नंबर वन हरियाणा। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि नंबर हरियाणा किस साइड से है? नंबर वन हरियाणा बनाया, अपने परिवार को नंबर वन बनाया, अपने चाचा ताऊ भतीजे को नंबर वन बनाया, परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, ये बोल रहे थे कि भी इनको मतलब हरियाणा नंबर वन बना, खेल नीति देखी आप, ये एसीआर चल रहे हैं उसके अंदर भी, एसीआर चल रहे हैं उसके अंदर एमडी यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है, खेल नीति का कारण है, खेल नीति किसने बनाई? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इतनी बड़ी 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 बात, ये खेल नीति है, फलाना नीति, आप गाँव में जाके देखो, ये मूलभूत सुविधाओं का टूटा है बहुत बुरी तरह। लेकिन आरोप लगता है कि विकास ज्यादा हो गया, आरोप लगता है एक भी गाँव जाके दिखाओ, जहाँ पहलवानी करके पहले गुंडागर्दी क्या करते थे, आज पहलवान पहलवानी खेल नहीं एक जगह कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करिए, अलग एक भी गांव में पानी पीने का टाइम भी नहीं आता, सरकारी प्राइवेट का नाम रोशन किया है। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हुड्डा साहब आप बताइए,
आप बताइए कि बीजेपी क्या ये विकास के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को उठा रही है इस चुनाव में, या सिर्फ मोदी की लहर पे ही सवार है? ऐसा है, हमारे पूरे देश के अंदर जो गवर्नेंस भाई मोदी नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वही गवर्नेंस इस प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। कुछ लोगों से कुछ बात करता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ पे बात की जाए युवाओं के रोजगार की, तो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल भेदभाव किया गया। SC ST भर्ती घोटाले में रोजगार का ये एक नया मुद्दा आपने नया मुद्दा है युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार। मैं इंग्लिश किया हुआ आदमी हूँ, आज भी बेरोजगार घूम रहा हूँ, ठीक है। दो साल पहले MA इंग्लिश किए हुए लोग बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, इनका कहना है। आप कुछ कहेंगे सर? विश्वविद्यालयों की बात हो रही है, थोक के भाव विश्वविद्यालय खोल दिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ की स्थिति है, 40% से ज्यादा पद खाली है। जो आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम? मैं पंकज शर्मा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, जनता की भीड़ देख के जवाब देना है। 40% पद खाली है, 40% पद खाली है, 40% पद खाली है यूनिवर्सिटी के अंदर। रुकिए, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, मैं जरा स्पीड में। जी आप बताइए, आपका कोई मुद्दा है? नौकरी नहीं मिलती जी, नौकरी नहीं मिलती है, तो युवाओं का कहना है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। खैर, तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सब लोगों ने एक दूसरे पर लगाए, और लोगों की शिकायतें हैं कि चाहे विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हो रोहतक में, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर आज हम अपनी ये चर्चा यही खत्म करते हैं, कल आपसे हरियाणा के किसी और इलाके में मुलाकात करेंगे। आप लगातार देखते रहिए IBN 7।